18 फरवरी को विशेष आस्था का पर्व महाशिवरात्रि है, जिसे लेकर रांची स्थित पहाड़ी मंदिर दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार है। महाशिवरात्रि के दिन हजारों लाखों श्रद्धालु पहाड़ी मंदिर पहुंचते और पूजा अर्चना करते हैं। महाशिवरात्रि को लेकर पहाड़ी मंदिर में क्या कुछ तैयारी की गई है, इसका जायजा लिया रफ्तार मीडिया सहयोगी सौरभ राय ने। जिस प्रकार देखा गया कि अभी कोरोना महामारी में जिस प्रकार से सारी पूजा में रोक लगाई गई थी सरकार की तरफ से, और इस बार फिर से पुनः रूप से फिर से चालू कर दी गई है। इसके लिए पहले मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम लोग हिंदुओं की आस्था को एक बार पुनः सम्मान देने का कार्य किया जा रहा है। और जिस प्रकार से कोरोना महामारी में हम लोगों का जो बहुत लोगों का नुकसान हुआ, मैं महादेव से ये कृपा करना चाहूँगा कि पूरे विश्व को एक ऐसी मजबूती प्रदान करें जो कोरोना महामारी से बच सके और हम लोगों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का हौसला देते रहा। देवों के देव महादेव का पर्व महाशिवरात्रि कल है और इसको लेकर झारखंड की राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर में खासा उत्साह देखी जा रही है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे शिवलिंग में भक्त लोग पूजा अर्चना करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। और महाशिवरात्रि के जो दिन है वो हर शिव भक्त के लिए बेहद ही खास माना जाता है, और चूंकि इस बार 2 वर्ष के बाद महाशिवरात्रि का आयोजन राजधानी रांची में धूमधाम से किया जाएगा। और पहाड़ी मंदिर की अगर हम बात करें तो राजधानी रांची का जो ये पहाड़ी मंदिर है, इसमें लोग दर्शन करने के लिए पूरे झारखंड भर से आते हैं। यहाँ तक कि झारखंड के बाहर से भी लोग यहाँ के जो भोले बाबा हैं इनके दर्शन करने के लिए पधारते हैं। और कल का दिन बेहद ही खास होने वाला है और यहाँ पर अभी से ही भक्तों का आना जाना भी लगा है। आज भी लोग भक्तजन पूजा अर्चना करके निकलते हुए आपको नजर आ जाएंगे। और कल की अगर हम बात करें तो महाशिवरात्रि के दिन पहाड़ी बाबा के यहाँ से महाबारात का भी निकलने का परंपरा है। वर्षों से ये परंपरा पहाड़ी मंदिर में आयोजन हो रही है। 2 वर्षों के बाद इस बार धूमधाम से महाशिवरात्रि के दिन बारात का आयोजन होगा। ऐसे ही रिपोर्ट के लिए बने रहे रफ्तार मीडिया संवाददाता सौरभ राय सहयोगी मुकेश के साथ रांची।